The third question is, solve the following. There are three parts, part 1, part 2, and part 3 given. ये तीन parts में हमें statements दी हुई हैं और इन statements के basis पर हमें equations form करनी है और उनको solve करना है. तो हम इनको एक एक करके देखेंगे. तो let's see them one by one. First we will see question number 3 part 1. So part 1 is, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? So let's say Parmeet has M marbles. तो परमीत के पास M marbles हैं और इरफान has 37. तो जो equation बनानी है वो है, इरफान has 7 marbles more than 5 times marbles the Parmeet has. So, 5 times Parmeet has मतलब 5M. And 7 marbles more than 5M plus 7 is equal to Irfan ke paas 37 marbles hain. So, ye hamari equation form ho gayi. Ab is equation ko solve karna hai, to ye 7. राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है. तो यहाँ सिर्फ बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 5m. तो हम लिख सकते हैं 5m इज इक्वल टू 37 माइनस 7. तो 5m इज इक्वल टू 30. तो अगर अभी ये 5m इज इक्वल टू 30 आया है तो हम लिख सकते हैं m की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो m की वैल्यू आएगी 30 डिवाइडेड बाय 5. तो m इज इक्वल टू 5 1 5 एंड 5 6 30. तो m की वैल्यू आ गई 6. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो ये परमीत हैव, हम लिखेंगे परमीत हैज 6 मार्बल्स. तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. तो अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है. सेकंड, लक्ष्मी फादर इज 49 इयर्स ओल्ड. तो हम सबसे पहले तो ये है लक्ष्मी फादर एज इज इक्वल टू 49. अब इसके आगे लिखा ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज. तो हम लक्ष्मी का एज अगर हम मान ले y इयर्स, लेट्स से लक्ष्मी एज इज y इयर्स y. तो लक्ष्मी फादर इज 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So 3 times Lakshmi's age ho gayi 3y. So ki Lakshmi ki age hai y. So 3 times Lakshmi ki age ho gayi 3y plus 4 years. 4 times 4 years older than 3 times. So 4 plus 4 ho gaya. So 3y plus 4 is equal to Lakshmi's father's age. So Lakshmi ke father ki age hai 49. So hum yahan likh sakte hain 49 is equal to 3y प्लस 4. तो अब हम ये इक्वेशन मिल गई है, हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम देख लेते हैं. अब हम इसी को अगली पेज पे कॉपी कर लेते हैं. 49 इज इक्वल टू 3y प्लस 4. तो 49 इज इक्वल टू 3y प्लस 4, हमें इसको सॉल्व करना है. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो 4 है राइट हैंड साइड पे, हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करना होगा. तो ये प्लस 4 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. तो हो जाएगा 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 3y.
तो 49 माइनस 4 हो जाता है 45 इज इक्वल टू 3y। अब अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड से। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू वाई, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 4 1 और 5 15, तो 3 5 15, तो आंसर आएगा 15 इज इक्वल टू वाई, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा आंसर हो गया लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स, क्योंकि हमने माना था कि लक्ष्मी की एज वाई है, तो वाई की वैल्यू 15 आई, तो लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पार्ट 3 देख लेते हैं इसका। पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदर ग्राम के लोगों ने विलेज गार्डन में ट्रीज लगाए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ ट्रीज फ्रूट ट्रीज थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन द नंबर टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो ये हमारी इक्वेशन बन सकती है कि नॉन फ्रूट ट्रीज जो है थ्री टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज से टू ज्यादा है, टू मोर देन थ्री टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अभी नॉन फ्रूट ट्रीज, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, हमें निकालना है फ्रूट ट्रीज। इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इज 77, तो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इज 77, तो यहां पर हमने लिख दिया 77, और लेट्स अज्यूम कि फ्रूट ट्रीज है एक्स, तो 3 × x + 2, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम देख लेते हैं। इक्वेशन है 77 = 3x + 2, तो ये इक्वेशन को हम अगले पेज पे कॉपी कर लेते हैं। 77 = 3x + 2, तो हमने लिखा 77 = 3x + 2, तो ये जो 2 है प्लस का इधर, ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 77 - 2 = 3x, तो ये हो गया 75, तो 75 = हो गया 3x। तो अब अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हमको 3 को 77 ये दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा, 3 यहाँ पर है मल्टीप्लाई का तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 75/3 = x। 3 से अगर हम डिवाइड करें 75 को तो ये बनता है 3 × 2 = 6, 1 × 5 = 15, तो 3 × 5 = 15, 25 = x, तो x = 25, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज 25। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप ये पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको ये सेम एक्सरसाइज आपको जो है हमारी वेबसाइट mycbsehelp.com पर भी अवेलेबल है सेम आंसर्स, एंड इसके साथ बहुत सारे और क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। थैंक यू।